नमस्कार दोस्तों दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मानो शाहरुख खान 1995 वाला जो पुराना इतिहास है वो फिर से सन 2023 इस साल दोहराने वाले हैं। कैसे? तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों देखा जाए, अगर हम 1995 की बात करें तो उनकी पहली मूवी रिलीज होती है करण अर्जुन, और देखा जाए दोस्तों ये मूवी रिलीज होती है 13 जनवरी को, और इस मूवी का बजट होता है 4 करोड़ रुपए, और ये मूवी लाइफ टाइम 37 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। और देखा जाए सन 2023 में भी उनकी मूवी जनवरी में ही रिलीज होती है जिसका नाम होता है पठान, और पठान मूवी ने क्या तबाही मचाई है, वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों देखा जाए 1995 में उनकी दूसरी मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये मूवी अक्टूबर में रिलीज़ होती है दोस्तों, और देखा जाए ये मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 102 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी थी। और देखा जाए सन 2023 में शाहरुख खान की देखा जाए जवान मूवी रिलीज़ हो रही है सितंबर के महीने में, और इस मूवी की जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग निकल करके सामने आ रही है ऐसा लग रहा है ये मूवी सन 2023 में बहुत बड़ी तबाही लेकर के आएगी जैसे DDLG तबाही लेकर के आई थी दोस्तों, और ये मूवी बहुत बड़ा इतिहास बनाएगी जैसे कि DDLG ने बनाया था। और देखा जाए दोस्तों 1995 में शाहरुख खान की तीसरी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था दोस्तों राम जाने, और देखा जाए उस मूवी का बजट था दोस्तों 3 करोड़ रुपए, और उस मूवी ने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में 16 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया था, और देखा जाए दोस्तों अपने बजट से इस मूवी ने 5 गुना से ज़्यादा कलेक्शन का डाला था, और ये भी मूवी शाहरुख खान की बहुत बड़ी हिट गई थी। और देखा जाए दोस्तों सन 2023 में भी दिसंबर में रिलीज़ हो रही है शाहरुख खान की मूवी डंकी, तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या डंकी मूवी भी राम जाने के तरीके 5 गुना ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।